तो रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर सरकार को घेरा। हुड्डा ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले खट्टर साहब को कौन जानता था। वहीं बड़ौदा चुनाव पर हुड्डा ने कहा कि इस चुनाव के बाद सरकार की नींव हिल जाएगी और राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस नेताओं की बैठक से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां बड़ौदा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को खुला चैलेंज दे दिया। हुड्डा ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो सबसे पहले कृषि कानून को ही फाड़ देंगे। यही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर सरकार को दोबारा चैलेंज करते हुए कहा कि अगर खट्टर सरकार में हिम्मत है तो सरकार उनकी सरकार में बने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल को रद्द करके दिखाए। भूपेंद्र हुड्डा के तीखे सवाल जवाबों से पंजाब सरकार भी नहीं बच पाई। अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए हुड्डा ने कहा कि जो कानून कैप्टन अमरिंदर ने अब लागू किया है वो 13 साल पहले ही हमने लागू कर दिया था। 2007 में जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो आया था रूल्स, जिसमें मैंने प्रोवाइड किया था कि एमएसपी से कम नहीं खरीदी जाएगी और जो जहाँ पे एमएसपी नहीं है वो फसल प्रिवेलिंग रेट से कम नहीं खरीदी जाएगी, उसकी क्या स्थिति है, वो है नहीं है, उससे जवाब मिल जाएगा आपको। तो हम तो पहले कर चुके, मेरा 2007 में कर चुका। जो कैप्टन अमरिंदर अब कर रहा है वो तो मेरा 2007 का किया हुआ भाई, 2007 से लागू है। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस सवाल पर भी पलटवार किया, जिसमें सीएम ने कहा था कि कांग्रेस के पास बड़ौदा चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट मैदान में उतारा है। इस सवाल का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले खट्टर को कौन जानता था। बड़ौदा चुनाव में कांग्रेस ने स्ट्रांग प्रत्याशी मैदान में उतारा है जो एक तरफा जीत हासिल करेगा। आम वर्कर, कांग्रेस का कार्यकर्ता, किसान का बेटा, दिन रात मेहनत करने वाला, लोग खुश हैं इस बात से कि भी एक किसान के बेटे को, वर्कर को, मजदूर के साथी को वोट दी, टिकट दी है। वो कह रहे हैं भाई तो जानता ही कोई नहीं। तो एक बात है, अगर मतलब ऐसे व्यक्तिगत बात करता नहीं मैं जो खट्टर साहब ने कह दिया, इसको जानता ही कोई नहीं है। एक बात का सवाल मैं भी जवाब पूछना चाहता हूँ खट्टर साहब से, खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने उससे पहले उनको कौन जानता था भाई। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस लगातार अपने विरोधियों पर हमलावर है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस दावे से बड़ौदा की जनता कितनी खुश होती है। रोहतक से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।